गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो आप सोचेंगे ये सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं लगा रही हूँ भगवान जी को भोग। आज मैंने भोग में बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, खीर और पूरी। तो मैं लगा रही हूँ गणपति जी को भोग। आज गणेश चतुर्थी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। तो मैं जो है दूब ले आई थी, फूल ले आई थी और यहाँ पर बना लिया था भोग मैंने गणपति जी के लिए। तो उन्हीं का भोग अभी लग रहा है सुबह। और आज मेरी बड़ी ननद की यहाँ भी मुझे जाना है, वहाँ पर है आज गणेश स्थापना, उन्होंने गणेश जी जो हैं वो स्थापित किए हैं घर में, तो वो लेकर आएंगे, तो वहाँ पर भी जाऊँगी और आपको भी दर्शन कराऊँगी। तो अभी दोस्तों दोपहर हो रही है, दोपहर के बज रहे हैं 1:15 का टाइम हो रहा है शायद। तो बस मैं निकल चुकी हूँ मेरी बड़ी ननद के घर जाने के लिए। वैसे तो घर पास में ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस वहाँ जाने के लिए निकल गई हूँ कपड़े चेंज करके। तो देख लीजिए, बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी दूरी पर है, और पहुँच कर आपको करवाती हूँ दर्शन मैं गणपति जी के। दोस्तों बस पहुंचने वाले हैं। हाँ, प्रसाद का भोग लगा। ये वहाँ पे आना बाबूजी, ये कांति नगर में, कांति नगर खोल देना डब्बा। मैं गाठे लगा दूँ, मैं लगा रहा हूँ, ऑन ही रखूँ वैसे से। बेबी नहीं आई अब, वो हो रही अलर्ट। भोग लगाओ मेरे देवा, आओ भोग लगाओ मेरे देवा, सुंदर में उतर दाचने पूरा बाजू, आओ भोग लगाओ मेरे देवा, ऐसा भोग लगाओ मेरे देवा, सब अमृत हो जाए मेरे देवा, आओ भोग लगाओ जी महाराज की जय। कल इस पे चद्दर उतार एक दीदी, उसको हां सब दे दें, बुला लेना नोनू अब बैठ। मैंने पता नहीं याद नहीं है मुझे, तो मैंने क्या डाल दिया, गाना कौन सा लगा दिया फेसबुक पे। हां जी, बढ़िया रख रखी है, 10,500 लोगों ने देखी है, 10,500 लोगों ने देखी है, देखो 11। तो दोस्तों बस आ चुके थे आकर, फिर भगवान जी को भोग लगाया है जो हम मिठाई लेकर गए थे, और दर्शन कर लिए हैं। और आपने भी किए, कैसे लगे आपको गणपति जी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। और यहाँ पर प्रसाद दिया है मेरी ननद ने, तो वो खा रहे हैं। आलिया भी निकल जाती है, आलिया भी ना कुछ काम हो तो हो जाती है। मैं तो बेटा खा लेंगे, बचा के खा लेंगे बैठे हमारे। हरी मिर्च दे दे, अब किलोमीटर है, किलोमीटर ही आपका माइक है। फिर मैं ऐसा हो गया, बच्चे संभालने लग गए। प्रीति बोली ठीक है दीदी, एक बार बोल दिया तो क्या बच्चों को सेट चले। अब ऐसे चलेगा भी, ऐसे मान भी नहीं होते थे इतना। हमारी मम्मी चली जाया करती थी, ठीक है, हमारी मम्मी के जाते के साथ वीडियो बन रही थी, हमारी मम्मी के जाते के साथ ही प्रेम करता था। चलो चलो, मैं राजा तुम मेरी दासियां, मेरी बहन को और मुझे कहते थे हमें खेलने को मिलता था, हम छोटे थे हमें खुशी होती थी। अच्छा एक साइड से कर,
छोटे छोटे थे हम भी, यूं फैला के बैठ जाते बेड पे और हम बेड पे नीचे। हाँ जी सरकार हमारे लिए क्या काम है, तो सरकार हमें बोलते थे क्योंकि मम्मी गंदगी में लगे जाती थी, पूरा घर फैला होता था। आओ तो आप पोछा मारोगे, आप झाड़ू मारोगे, हम खुश, क्या धोखेबाज भाई, देख हम खुश, हमें राजा मिला है और हम पोछा ने झाड़ू पोछा कर दिया। अब फिर रात सर हो गया राजा, हो गया राजा जी, हो गया तो बोल रहा आप कपड़े आप बर्तन, हम धक 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 करके बर्तन कपड़े से धो देते हैं। सुन उसके बाद फिर हम आगे सरकार जी हो गया, अच्छा फिर देख रहा और क्या काम बर्तन है, फिर हमें लगता रहा उसको लगता ना सब काम हो गया, फिर कहता अब मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ हो गया। और हमें तो हम कहते थे हमारे राजा पर नहीं बारी आई है, अब हमारे राजा पर क्योंकि ये कह रहा था मैं बड़ा हूँ पहले राजा बनूंगा, फिर मैं कहती इस बार तो मेरा नंबर आएगा, मेरी दो दासी बनेंगे, तो यह उसकी बात ये कह रहा था चुन्नी फेंक के कहता था मैं नहीं खेल रहा तुम, अब तुम भी आओ, अब तुम खेलो। चार बजे नहीं इनका डेरा मेरे जिम्मे था, वही आज अंशुल है और देन मेरी कॉपी चल रही है, अंशुल को देखो तो वही स्थिति है, तो ठीक है भैया करना तो है ही। लो ये भी इसमें डाल दो और ये अलग ही डाल देती हूं ना, ये मोका केला दे दो, एक ठाकुर से मोका केला हम लोग खा लेंगे। चलो ठीक है भैया, फिर परसों चार्ज करता हूं। नहीं खाया हुआ है, नहीं खाना खा के आए थे, अरे पूरी सब्जी खाई है आज, पूरी सब्जी खाई है, सुबह ही प्रसाद लगाया था भगवान को, तैयार कर रहे बराबर से, कोई नहीं ठीक है चलो ठीक, प्रसाद ले लिए चलते हैं घर। अभी आ चुके हैं दोस्तों घर पर और गणपति जी के जो दर्शन थे बहुत ही अच्छे से हो गए, तो करके आ चुके हैं। आज स्थापना थी और 5 दिन बाद होगा विसर्जन, तो विसर्जन का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी पूरा ही, उसमें तो जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे दिखाऊंगी। तो चलिए आ जाते हैं इस वीडियो के एंड पर, इस वीडियो का भी करते हैं यहीं पर एंड, और ये छोटा सा व्लॉग बनाया था मैंने बस आपको गणपति दर्शन करवाने के लिए, तो फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।